चार वर्षों के जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद से होने वाले नुकसान की। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि शहद खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहद जैसी और दूसरी कोई चीज़ नहीं है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं शरीर के लिए, लेकिन कई बार यह नुकसानदायक भी होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि शहद हमारी हेल्थ के लिए किस तरह नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी, ज़्यादा गर्म दूध, ज़्यादा गर्म चाय, उसके साथ शहद मिलाकर कभी भी इस्तेमाल ना करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत हल्का गुनगुना पानी, जिसे हम बहुत आसानी से पी सकते हैं, उसमें शहद डालकर पिएं तो फ़ायदा होगा। दूध यदि उसमें बहुत हल्का गुनगुना पिए और उसमें शहद डालकर पिए तो अच्छा होगा। चाय या कॉफ़ी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीनी है और चीनी के साथ में फिर शहद को मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए चीनी के साथ शहद का प्रयोग ना करें। दूसरा, गर्म चीज़ जैसे बहुत हाई गर्म चीज़ें होती, जैसे गर्म मसाले हो गए या और कई गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, उनके साथ शहद मिलाकर कभी ना लें, क्योंकि जैसा हम खाना खाएंगे उसके साथ यदि हनी को मिला के खाएंगे तो उसके असर गलत होंगे। दूसरा, शहद का असर माना जाता है कि यदि हम गर्म चीज़ के साथ शहद को मिलाकर खाएंगे तो गर्म असर होगा और ठंडी चीज़ के साथ मिलाकर खाने से ठंडा असर होगा। इसलिए अपने शरीर की तासीर के हिसाब से शहद का इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में शहद खाना वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। दिन में 3 से 4 चम्मच, वो भी दिन में एक साथ नहीं, दिन में 3 या 4 बार एक एक चम्मच लिया जा सकता है, जो हेल्थ के लिए और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध और घी के साथ शहद, घी और शहद बराबर मात्रा में कभी भी नहीं लेना चाहिए। गर्म दूध में हनी बिल्कुल ना डालकर पिए, इससे बहुत शरीर को नुकसान होता है। इसके अलावा तेल या किसी मक्खन के साथ बराबर मात्रा में हनी ना मिलाएं और इस्तेमाल ना करें। चाय और कॉफ़ी एकदम खोलती हुई होती है। जनरली चाय और कॉफ़ी सब गर्म गर्म पीना पसंद करते हैं, तो गलती से भी उसमें शहद डालकर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और मांस मछली नॉनवेज वाली चीज़ों के साथ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उससे शरीर को बहुत नुकसान होता है और हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मांस मछली इनके ऊपर और अंडा, इसके साथ उसके ऊपर डालें शहद डालकर ना खाएं और उसके साथ भी मिलाकर बिल्कुल शहद ना खाएं। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें। शहद हमारे शरीर के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। यदि हम इसको इस्तेमाल करना ना सीखें, यदि हमें इसका इस्तेमाल नहीं आता है, तो हम जाने अनजाने में अपने शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शहद के बारे में जानकारी हासिल कर लें, शहद किन कब और किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाना है। यदि उनसे नुकसान होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जिन चीज़ों के साथ मिलाकर शहद खाने से हमें फ़ायदा होता है दोस्तों, उन्हीं चीज़ों के साथ में शहद मिलाकर खाया जा सकता है। हमारे इन नुस्खों को इस्तेमाल करें, और जो हमने इस वीडियोज़ के अंदर आपको जानकारी दी है उसका ख्याल रखें और शहद का उसी तरीके से इस्तेमाल करें। फ़ायदा होगा आपको और नुकसान भी होगा, इन चीज़ों का ख्याल रखें। कमेंट के ज़रिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हमारा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या जानकारी वाला लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। उपाय हमारे और फायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्दी फिर हाजिर होंगे कुछ और नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।